जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त हरिपाल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन पर। और दोस्तों, एक बड़ी खुशी की खबर है ये, और इसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है। और आप लोग जो युवा कल्याण विभाग है वहाँ जाके पता करेंगे, पीआरडी की नई भर्ती आ गई है। और भर्ती बहुत बढ़िया है, और इसमें लगने का एकदम सुनहरा मौका है, और आप इसमें लग के अपनी तैयारी और भी आगे कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, और मैं आशा करता हूँ जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाए जो क्या इस टाइम ओवर एज वाले हैं, या जिनको थोड़ी हाथ तंगी रहती है ना कुछ बच्चों की, कुछ पैसा कहीं से, जैसे कि हम पे भी कई लोगों के फ़ोन आएगा कहीं सर कुछ काम वाम लग जाए, तो अपना तैयारी भी करते रहेंगे और अपनी जो है थोड़ा खर्चा घर को पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो इस हिसाब से इसमें, क्योंकि पर डे के हिसाब से आपको वेतन मिलता है पीआरडी में, प्रांतीय रक्षक दल, ठीक है। हम वहाँ लखनऊ में थे, तो इसका मुख्यालय में हम गए थे। तो ये जो है चौराहों पे और सार्वजनिक स्थलों पे इसकी ड्यूटी लगती है, पुलिस जैसी ही वर्दी रहती है, बैच पीआरडी का लगा रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे क्या क्या मांगा है। टोटल पोस्ट जो है 1465 हैं, मेल की 1172 हैं, फीमेल की 293 पोस्ट हैं, ठीक है। योग्यता 10th पास हैं। एज की अगर बात करें तो 18 से 40, देखो एज भी काफ़ी इन्होंने ली है, तो 18 से 40 वर्ष तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी एज की जो गणना की जाएगी वो 1/1/2023 से गणना की जाएगी एज की, ठीक है। छूट जो मिलेगी एज में, ओबीसी को 3 साल की, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। कितने ज़िलों में भर्ती है? 21 ज़िलों में भर्ती है। अब मैं ज़िले बता देता हूँ, अपने अपने जिनका भी ये ज़िले हैं अपने ज़िले में जाकर संपर्क कर लें, युवा कल्याण विभाग जो है वहाँ पर संपर्क कर लें, वहाँ से ही आपको फॉर्म की जानकारी मिलेगी पूरी, और आप फॉर्म भर देंगे, और इसमें 1 महीने के अंदर अंदर आप सिलेक्शन ले लेंगे और आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, और अपनी फिर तैयारी करते रहना, ठीक है। तो ये बस्ती है, देखो सबसे पहला ज़िला बस्ती है, अयोध्या है, सिद्धार्थनगर है, संत कबीर नगर है, गोरखपुर है, लखनऊ है, उन्नाव है, महाराजगंज है, आजमगढ़ है, बलिया है, बनारस है, प्रयागराज है, जौनपुर है, कानपुर नगर है, बुलंदशहर है, मेरठ है, कासगंज है, मुरादाबाद है, बरेली है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, ठीक है। तो ये 21 ज़िले हैं टोटल जिनमें पीआरडी के जवानों की तैनाती होनी है। जिन ज़िलों में कमी थी पीआरडी के जवानों की और वहाँ जो है ज़रूरत थी, तो उन ज़िलों में इसकी भर्ती निकाली गई, सारे ज़िलों में भर्ती नहीं निकली है। तो इन ज़िलों से आप अगर संबंध रखते हैं तो जाके अपने ज़िले के युवा कल्याण विभाग में जाके संपर्क करें तुरंत, और अपना वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर दें और अपना सिलेक्शन ले लें। तो एज भी ठीक ठाक ली है। इसके बाद बात करते हैं कि इसकी ड्यूटी क्या होती है। होम गार्ड के समकक्ष इसकी ड्यूटी रहती है। इसके बाद वेतन की बात करें तो देखो 395 रुपये पर डे मिलते हैं। पीआरडी के जवानों के साथ हम रह के भी आए हैं, तो इन्हें पर डे के हिसाब से 395 रुपये मिलते हैं। और पता जो करना है आपको, युवा कल्याण विभाग में जाकर संपर्क करें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्म की अप्लाई डेट अभी, इसका बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों का, यही ज़्यादा क्वेरी है कि सर इसके फॉर्म जो है कब से पड़ेंगे और कब तक लास्ट है। तो देखो ऐसा कोई उन्होंने नोटिफिकेशन, हम पूरा रीड किए हैं, नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं जिक्र किया है कि आपके फॉर्म कब से कब तक पड़ेंगे। हाँ ये है उसमें नोटिफिकेशन में कि आप जो अपने युवा कल्याण विभाग में जाकर संपर्क कर लें, और उन्होंने दिया है सीधा सीधा जो अखबार में वो विज्ञप्ति निकालेंगे तो 3 दिन निकालेंगे, निकालने के 3 दिन का समय देंगे निकालने में अभी अखबार में, और आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है उसके लिए 15 दिन का समय मिलेगा, ठीक है। और 3 दिन इसमें जो है फिजिकल चलेगा, नापतोल फिजिकल होगा, और फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट लगा देंगे 7वें दिन फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट लगा देंगे, मान के चलिए 1 महीने में आपकी ज्वाइनिंग पक्की। और एक चीज़ इसमें और मांगी है, जो अपना सेवा योजन कार्यालय होता है, सेवा योजन कार्यालय से, तो वहाँ से अपना एम्प्लॉय नंबर, मतलब एक वो होता है बेरोजगारी का सर्टिफिकेट बनता है, तो उस सर्टिफिकेट का नंबर चाहिए, ठीक है, बेरोजगारी सर्टिफिकेट का नंबर चाहिएगा, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, तो वो नंबर चाहिएगा इसमें ज़रूर, उसके बिना आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। जिनके पास नहीं है तो अपने ज़िले से जाके बनवा लें, ठीक है। तो दोस्तों ये ठीक है, जो लोग आगे तैयारी करना चाहते हैं उनका एक मतलब शुरू में यह है कि घर को पर डिपेंड नहीं रहेंगे और थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसकी जैसे भी अब जानकारी मिलती है नेक्स्ट जानकारी के साथ में आपके उपस्थित होंगे, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।